आप सब जानते हैं आज का ये प्रोग्राम एमए लीगल स्टडीज़ के मुताल्लुक शऊर बेदारी के लिए किया गया है। जैसा कि हमारे हरदिल अजीज़ वाइस चांसलर साहब ने जैसे ही यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी संभाली, उन्होंने यूनिवर्सिटी को एक नई बुलंदी पर लेके जाने के लिए कई प्रोग्राम शुरू किए हैं। उसमें एक अहम प्रोग्राम एमए लीगल स्टडीज़ उन्होंने यूनिवर्सिटी को लेकर आया है। ये प्रोग्राम पिछले साल से शुरू हुआ है और उससे भी अहम बात यह है कि उसके लिए उन्होंने हिंदुस्तान के मायनाज नामवर क़ानूनदान प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब की खिदमात हासिल की हैं, जो कि हमारी यूनिवर्सिटी के लिए बहुत बड़ी बात है। ख़ासकर यूनिवर्सिटी को एक दानिशगाह बनाने के लिए वाइस चांसलर साहब ने सही मानों में तमाम हिंदुस्तान के दानिशवरों को यहाँ जमा करने की जो कोशिश कर रहे हैं, यकीनन ये इस यूनिवर्सिटी को बहुत आगे ले जाएगी। इस उम्मीद के साथ मैं सदर जलसा प्रोफेसर आइनुल हसन साहब इज़्ज़त माब वाइस चांसलर की इजाज़त से मैं इस जलसे का आगाज़ करना चाहता हूँ। सबसे पहले मैं शोबे नज़्म नख़्स आमा की सदर प्रोफेसर कनीज़ ज़हरा साहबा से दरख्वास्त करता हूँ कि वो खुतबा इस्तक़बालिया दें, वेलकम एड्रेस दें। ऑनरेबल वाइस चांसलर सर, प्रोफेसर ऐनुल हसन साहब, प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब और डाइस पर तशरीफ़ फरमा प्रोफेसर शगुफ्ता शाहीन मैडम ओएसडी वन और डॉक्टर नजीउल्ला दीगर हॉल में तशरीफ़ फरमा प्रोफेसर्स, हेड्स, डीन्स, तलबा और तालिबात, स्कॉलर्स भी यहाँ थोड़े मौजूद हैं, आप सब का मैं खैर मकदम करती हूँ डिपार्टमेंट की जानिब से। डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और लीगल स्टडीज़ उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो मैं आप सभी का फर्दन फर्दन यानी कि इस्तकबाल करती हूँ इस प्रोग्राम के लिए। और मैं ये कहना चाहूँगी कि जिस तरह से हमारे हरदिल अजीज़ वीसी साहब ने इनिशिएटिव लिया कि लीगल स्टडीज़ और नए कोर्सेस यूनिवर्सिटी का हिस्सा बने, तो हम सभी उस एफर्ट, उस कोशिश में लगे हुए हैं कि और नए कोर्सेस आए और यूनिवर्सिटी उससे फैसिया हो सके। और ये हमारी खुशनसीबी है यूनिवर्सिटी की कि इतने मारूफ़ और मशहूर हस्ती प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब हमारी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं और ये एमए लीगल स्टडीज़ के क्लासेस ले रहे हैं हमारे यहाँ एज एन एडजंक्ट प्रोफेसर। और ये बहुत ही खुशी की बात है, खुशी का मौका है कि हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं ख़ास तौर पर इस मौजू पर बात करने के लिए कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं अगर आप लीगल स्टडीज़ पढ़ना चाह रहे हैं या पढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ अगर आप लॉ पढ़ते हैं तो उसका दायरेकार और उसकी वसत और आपके लिए किस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं यहाँ पर। तो मैं आप सभी का इस मौके पर खैर मकदम करती हूँ फिर एक बार, और प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए मेरे कुलीग डॉक्टर नजीउल्ला से कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए मदद करती हूँ। मैं एमए लीगल स्टडीज़ के तालिबा तस्नीम कौसर को इनवाइट करता हूँ कि वो प्रोफेसर ऐनुल हसन वीसी साहब को नजराने गुलदस्ता पेश करें। इसके बाद मिस रुखैया सालेहा, ये भी एमए लीगल स्टडीज़ की प्रीवियस की स्टूडेंट हैं, मैं उनको इनवाइट करता हूँ कि वो प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब जो आज के मेन मुखरिर हैं उनको गुलदस्ता पेश करें। इसके बाद मैं मिस शाहीन अंजुम एमए लीगल स्टडीज़ से मैं को इनवाइट करता हूँ कि वो प्रोफेसर शगुफ्ता शाहीन मैम जो OSD1 हैं उनको गुलदस्ता पेश करें। इसके बाद मैं मोहम्मद फारूक एमए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन
फाइनल ईयर के स्टूडेंट को इनवाइट करता हूँ, वो प्रोफेसर कनी जहरा साहबा सदर शोबे नज़्म नसियामा को गुलदस्ता पेश करें। बहुत बहुत शुक्रिया। इसके बाद मैं जो हमारे प्रोग्राम में के मेहमान एजाजी प्रोफेसर शगुफ्ता शाहीन मैम वो SD1 हैं, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि वो अपने ख्यालात को हमारे साथ शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून, ऑनरेबल मेंबर्स ऑन द डेज एंड माय डियर कलीग्स एंड स्टूडेंट्स। As in charge of academics, I feel very happy at the prospect of introducing LLB at MANU. MANU, right from the beginning, has been concentrating on introducing new ventures, new courses, and till now we have been concentrating on degree and research programs. After the completion of the Silver Jubilee, we are now moving our focus to professional courses and vocational courses. We started with vocational courses, which was a big success, and now we are moving into more professional courses like LLB, and very soon in the future, I'm sure it will be followed by nursing and medicine, inshallah. I'm sure you all must be somehow, you know, Faizan Sahab will be talking in detail about the opportunities, but I think as a citizen of a country, we should all be aware of our rights in order to fight for them and in order to see that we defend them. So apart from the lucrative economic compensation that taking this course has for us, it will also make us very conscious as citizens. So it's very important that we study this course for general consciousness of our rights as a citizen of the country, so as to defend them and also to prevent ourselves from doing anything that we did not perceive as illegal earlier. So I also look in the future for the introduction of many such professional courses which will add more feathers in the cap of MANU. There are supposedly three, you know, prominent people or professions who are known for their orations and veracity. The first being a lawyer, the second being a poet, and the third a teacher. And you must be, I think, getting a very hint at what I am trying to point out. So there is a lawyer amidst us, there is a poet amidst us, and I'm at the lowest rung of the ladder as a teacher. So I don't want to deny you the, you know, the opportunity to listen to more voracious speakers like a poet and a lawyer, because I am just merely a teacher. So over to the great orators to continue the lecture. थैंक यू वेरी मच मैम, बहुत बहुत शुक्रिया आपके ख्यालात का। इसके बाद जिस प्रोग्राम के लिए हम सब यहाँ जमा हुए हैं, MA लीगल स्टडीज़ में अपॉर्चुनिटीज़ के मुताल्लुक मालूमात हासिल करने के लिए, इसके लिए हमारे साथ प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब हैं, जो कि यूनिवर्सिटी के एडजंक्ट फैकल्टी हैं। और मैं सर को यहाँ मदु करने से पहले एक मुख्तसर सा तारुफ़ पेश करना चाहता हूँ। वैसे तो फैज़ान मुस्तफ़ा साहब को सारा हिंदुस्तान जानता है और लीगल वर्ल्ड में सब जो बाहर भी उनको जानते हैं, वो हिंदुस्तान के एक मायानाज क़ानूनदान हैं। एक मुख्तसर सा तारुफ़ मैं उनका आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि सर ने कई इदारे क़ायम किए हैं। ये तमाम चीज़ें अगर हमारी जानकारी में आएँगे तो हम लोगों को लगेगा कि हम किसने अच्छे स्कॉलर से इस्तेफादा करने जा रहे हैं लीगल स्टडीज़ के हवाले से। तो इसलिए इस मुनासिबत से मैं एक मुख्तसर सा सर का मैं ब्रीफ CV आपके सामने रखना चाहता हूं। प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में लॉ डिपार्टमेंट के प्रोफेसर हैं। मनु में वो अर्जेंट फैकल्टी की तरह पिछले साल से MA लीगल स्टडीज़ को शुरू करने में उन्होंने कलीदी रोल अदा किया, एक माने में उन्होंने इसको क़ायम किया वाइस चांसलर साहब की दावत पर। तो वो इससे पहले नलसार यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रहे दो मियाद के लिए, ला यूनिवर्सिटी जो हैदराबाद में है, और उस यूनिवर्सिटी को उन्होंने बहुत ऊंचाई तक पहुंचाया। और उससे पहले ये
नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी वरीसा के फाउंडर वाइस चांसलर रहे हैं। उस इसमें भी उन्होंने वहाँ कई नई कोर्सेज शुरू किए, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज के तहत उन्होंने BA LLB के साथ BBA LLB, इस तरह के नए नए तजुर्बात उन्होंने वहाँ किए। और वो पहले शख्स हैं जिन्होंने लीगल जर्नलिज़म भी ओरिसा यूनिवर्सिटी में शुरू किया। इस तरह से लीगल स्टडी से काफ़ी तजुर्बे उन्होंने किए हैं, उनका बहुत वसी तजुर्बा है। और वो एक इंस्टीट्यूशन बिल्डर हैं, और इसके साथ साथ वो KITT कलिंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी लॉ स्कूल के भुवनेश्वर के फाउंडर डायरेक्टर भी हैं। वहाँ पे उन्होंने BSc LLB कोर्स शुरू किया था। वो जैसे कि मैंने पहले बताया था, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के हिस्ट्री एंड लॉ हिस्ट्री और लॉ से किया, और LLM भी अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से किया। और उनका डॉक्टरेट कॉपीराइट लॉ एंड डिप्लोमा फ्रॉम इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड इंटरनेशनल एंड कंपेरेटिव ह्यूमन राइट्स पर है। और इसके अलावा उन्होंने कई कानून मुरतब करने में भी हुकूमत का भी को भी तावुन दिया है, यानी कई एडवाइजरी कमेटीज़ में, पैनल्स में वो मेंबर रहे हैं। और उन दुनिया भर के कई यूनिवर्सिटीज़ में, ख़ासकर लॉ यूनिवर्सिटीज़ में वो मधु किए गए हैं। उनके कई मजामीन, ख़ासकर रिसर्च आर्टिकल 100 से ज़्यादा पब्लिश हुए हैं। और सर को कई अवार्ड भी इनके इन कारनामों के इनके नतीजे में इनको मिले हैं। ही वॉज अवार्डेड रेने कैजिन गोल्ड मेडल ऑफ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन राइट्स स्ट्रासबर्ग इन 1999, और 2009 में इन्हें शाह वलीउल्लाह इंटरनेशनल अवार्ड इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जेक्टिव स्टडीज़ की जानिब से दिया गया है। उनके पेपर कॉन्स्टिट्यूशन इन इस्लामिक परस्पेक्टिव में, उन्हें ही वन द साक प्रेस्टिजियस बेस्ट लॉ टीचर, साक के बेस्ट लॉ टीचर का अवार्ड भी उन्हें 2014 में मिला है। अभी वो रिसेंटली वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट इलेक्ट के तौर पे शास्त्री इंडो कैनेडियन इंस्टीट्यूट के प्रेसिडेंट इलेक्ट की हैसियत से भी वो काम कर रहे हैं, इस तरह कैनेडा के। इस तरह से सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि दुनिया भर में आपने अपने कानून और उसमें अपनी महारत के नतीजे अपना लोहा मनवाया है। ये हमारी बड़ी खुश नसीबी है कि हमारे वाइस चांसलर साहब ने ऐसे दानिशवरों को यूनिवर्सिटी से जोड़ा है, जिससे हम फैजयाब हो सकते हैं। और ख़ास कर लीगल स्टडीज़ का वाइस चांसलर साहब ने इससे पहले भी जिक्र किया था कि मैं इसको यहाँ लाना चाहता हूँ, हमारे उर्दू दान तबके को इसकी ज़रूरत है। तो उसी के तहत ये मैं लीगल स्टडीज़ VC साहब की कोशिशों से यहाँ पर आया है। और उससे वो तुर इम्तियाज़ ये कि प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब इससे जुड़े हुए हैं, और इसके क्या कहते हैं, इसके उनकी निगरानी में ये कोर्स चल रहा है। ये हमारे लिए, हमारी यूनिवर्सिटी के लिए न सिर्फ एजाज़ की बात है बल्कि बहुत फ़ायदा मंद पहुँचाने वाली बात है। इसी बात को आप लोगों तक लेकर जाना और आपके ज़रिए से दीगर जो उर्दू दाँ हैं, उर्दू तबका है, उन तक पहुँचाना और उनको इस तरफ रागिब करना, और उसके ज़रिए से ये अहम चीज़ से जिसमें हम लोग पीछे हैं, उर्दू दाँ तबका, तो इससे जोड़ने के मकसद से ये प्रोग्राम किया गया है। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ पहले तो वाइस चांसलर साहब का, जिन्होंने इस तरह की प्रोग्राम शुरू किए और इस तरह का यूनिवर्सिटी के बारे में, कौम के बारे में सोच रहे हैं कि जहाँ पे हमारी कमजोरियाँ हैं, कमियाँ हैं, उनकी यूनिवर्सिटी के ज़रिए से उनको पूरा करने की जो बात वाइस चांसलर साहब सोच रहे हैं। और इसके नतीजे में प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब को उन्होंने मदु किया है एज ए एडजंक्ट फैकल्टी। तो मैं इस मख्तसर से तारुफ के बाद इस उम्मीद के साथ कि ये जलसे में जो भी फैज़ान मुस्तफ़ा साहब के ज़रिए से जो भी आपको फ़ायद हासिल होगा वो उसको आम करेंगे, आप लोग दूसरों तक पहुंचाएंगे। वैसे भी फैज़ान मुस्तफ़ा साहब रेगुलरली लीगल अवेयरनेस के ज़रिए से हर घर को पहुंचकर भी ये लीगल अवेयरनेस का काम कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इसे ज़रूर फैज़याब होंगे। इसी के साथ मैं प्रोफेसर फैज़ान मुस्तफ़ा साहब को यहाँ मदु करता हूँ अपने ख्यालात आप लोगों के सामने रखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ज़बान में ये बड़ा मसला है कि बड़ा इलाबोरेट और एग्जैगरेटेड इंट्रोडक्शन होता है। बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया नजीउल्लाह साहब
वाइस चांसलर साहब, प्रोफेसर शगुफ्ता शाहीन, प्रोफेसर कनीज जहरा, जिनके साथ मैं आजकल काम कर रहा हूँ, और ख़्वातीन हज़रात, तेल अवीव में जब मैं पढ़ा रहा था इज़राइल में, तो एक मैंने लेक्चर दिया था। वो लेक्चर ये था कि साहब, जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी में लॉ को कैसे देखा जाता है। और मैंने कहा था, दरअसल जुडाइज्म इज़ ऑल अबाउट लॉ एंड क्रिश्चियनिटी इज़ ऑल अबाउट और जीसस इज़ ऑल अबाउट लव। क्योंकि आपको मालूम है कि हज़रत मूसा जो थे उनको 10 कमांडमेंट्स मिले थे, तो कमांडमेंट्स जो थे वो लॉ थे बेसिकली, कि आप अडल्ट्री नहीं करेंगे और आप चोरी नहीं करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, वो लॉ था, कमांड्स थी। और हज़रत ईसा तो ज़ाहिर है कि मर्सी और लव और उसके सिंबल हैं। आज मैदान अराफात में खुतबा हज हुआ, और अगर आ हज़रत के उस खुतबा हज को आप याद करें तो उसमें बहुत ज़्यादा लॉ था। हमने उसको समझा नहीं कभी लॉ के हिसाब से, लेकिन मेरी जितनी भी नाकिस इल्म है, थोड़ा बहुत इधर उधर पढ़ा, नॉन डिस्क्रिमिनेशन पर ये आइडिया जो आपके दस्तूर में आर्टिकल 15 में आएगा कि स्टेट किसी भी बुनियाद पर मज़हब की और कास्ट की और रेस और सेक्स की बुनियाद पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगी, अब इंटरनेशनल लॉ में भी इस्टेब्लिश्ड है नॉन डिस्क्रिमिनेशन का लॉ, जो इक्वालिटी के लॉ से ज़रा एक कदम आगे है। इस पर जो हज़रत का स्टेटमेंट है कि किसी अरबी को किसी अजमी पर और किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई फजीलत हासिल नहीं, वो मैं समझता हूँ कि तब तक ह्यूमन सिविलाइजेशन में उससे पहले उतना बोल्ड और क्रिस्टल क्लियर स्टेटमेंट नहीं दिया गया था। या आपका ये कहना कि जितने भी क्लेम्स थे जो बदले लिए जाते थे कि आपने मेरे बाप को मारा और मेरे दादा और परदादा को मारा, आपका ये कहना कि वो सारे क्लेम जो दौरे जाहिलिया के थे वो सब मैंने आज तोड़ दिए और रोन डाले अपने पैरों के, तो यानी क्लेम का ख़त्म करना ये भी लॉ की चीज़ है। और फिर आप देखें कि विमेन राइट्स की जो बात हुई और हुकूक़ इंसानी की जो बात हुई, वो भी सब लॉ था। अब दरअसल लॉ में ये बात हम उसको समझते नहीं कि जब आप पैदा होते हैं तो लॉ से शुरुआत होती है। अब सी ए हो चुका है, आप लोगों को रिकॉर्ड वगैरह पता होने चाहिए, सी ए एक लॉ है और बर्थ रजिस्ट्रेशन भी एक लॉ है। ये कंपलसरी है कि आपकी पैदाइश एक लॉ के तहत रजिस्टर की जाए। और इसी तरह जब आप दुनिया से जाएंगे तो डेथ रजिस्टर होगी। इसलिए बच्चे के पालने से लेके कब्र तक लॉ से आपका छुटकारा नहीं है। आप कोई चीज खरीदने जाते हैं तो एक कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है, वो लॉ है। इस यूनिवर्सिटी में आपने एडमिशन लिया तो आपने साइन किया वो अंडरटेकिंग कि यूनिवर्सिटी के रूल्स रेगुलेशन, हॉस्टल रूल्स, कमरे पे खाना नहीं खाएंगे, वो सब रूल है, समझ लीजिए आप। अब उस पर सज़ा कितनी हो वो यूनिवर्सिटी डिसाइड करे, और जाहिर है कि वो आर्बिट्रेरी ना हो तो बेहतर है, लेकिन ये कि है वो लॉ, बेसिकली वो अच्छा लॉ है या बुरा लॉ है वो अलग इशू है, लेकिन है वो लॉ। यूनिवर्सिटी का एक एक्ट है, मानू का एक एक्ट है 1998 का। तो बेसिकली जो मैं बात कहने जा रहा हूँ, शादी होगी आपकी तो वो भी एक किसी कानून के तहत होगी। अब वो पर्सनल लॉ होगा या यूनिफॉर्म सिविल कोड मुझे नहीं मालूम, लेकिन होगा लॉ कोई। जब प्रॉपर्टी का बंटवारा होगा आपके, मीरास बांटी जाएगी, वो भी एक कानून होगा। तो बेसिकली आपके ऊपर ड्यूटी जो है वो केमिस्ट्री और फिजिक्स और बायोलॉजी और पर्शियन और माजरत के साथ उर्दू जानने की नहीं है, ड्यूटी एक ही है। चाहे आप फकीर हों कि आप अडानी हों कि अंबानी हों, हर एक के ऊपर ड्यूटी है लॉ जानने की। इग्नोरेंशिया ज्यूरिस नॉन एक्सक्यूज़ड,
इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो डिफेंस. कोई ये नहीं कह सकता कि मुझे लॉ नहीं आता. ये किसी को अलाउ ही नहीं होगा कि वो कहे मुझे नहीं मालूम लॉ क्या था. आप हर सब्जेक्ट के लिए कह सकते हैं मुझे नहीं आता, लॉ के लिए आप नहीं कह सकते. और लॉ चाहे कल बना हो आपको वो जानना पड़ेगा. और आप हिंदुस्तान के शहरी ना हो या अमेरिका जाएं, अमेरिका के शहरी ना हो, जैसे ही अमेरिका में प्लेन लैंड किया अमेरिका के ऊपर आपका लॉ लागू हो गया. ये जितने मौजूद हैं 30 लाख मैदान अराफात में, इन सब के ऊपर आज सऊदी लॉ लागू है. एक मशहूर केस है कि एक साहब ज्यूरिख से न्यूजीलैंड जा रहे थे, 5 किलो सोना था उनके पास. हिंदुस्तान में अलाउड था सोना तब लाना. 48 घंटे पहले कानून में चेंज किया गया और यह कहा गया कि अब आप इससे ज्यादा सोना नहीं इंडिया में ला सकते. और ये इंडिया नहीं आ रहे हैं, ये ज्यूरिख से जा रहे थे न्यूजीलैंड. बॉम्बे के ऊपर जब प्लेन उड़ रहा था तो उसमें कोई टेक्निकल डिफेक्ट हुआ और एक इमरजेंसी लैंडिंग हो गई. अब जब प्लेन की सफाई वफाई हुई तो एमएच जॉर्ज के पास से सोना पाया गया और उसको सजा हो गई. वो इंडिया आ भी नहीं रहा था. तो अगर आप किसी भी मुल्क में पाए गए, चाहे कैसे भी, जाने का इरादा था, नहीं इरादा था, मजबूरी आए, जबरदस्ती आए, अरेस्ट करके लाए गए, आपके ऊपर उस मुल्क का कानून जो है वो लागू हो जाता है. अब देखिए एक चीज और मैं आपसे कहूं कि लॉ बहुत इंपावरिंग सब्जेक्ट. जिसको लॉ आता है वो बहुत इंपावर्ड एंटाइटल्ड फील करता है. शेक्सपियर ने लिखा है द फर्स्ट थिंग वी शुड डू इज टू किल ऑल लॉयर्स. मैडम तो अंग्रेजी की है. मैं शेक्सपियर से एग्री नहीं करता. गो के कल मैंने एक वकील साहब को फोन किया, इत्तेफाक से वो बेचारे मुल्क से बाहर थे, और मैंने बेगम साहिबा को बताया कि ये साहब जो हैं इनसे अगर हाथ मिला लिया किसी ने तो 25 लाख और अगर कोई बात पूछ ली तो 55 लाख, ये उनकी फीस है. तो मैंने उनको व्हाट्सअप कर दिया था कि मुझे बात करनी है. खैर उनका फोन आ गया, उन्होंने लिखा मैं बाहर हूँ. खैर वो बात हो गई. मैंने कहा ये 55 लाख का काम किया फ्री में बात करके. आप न्यूरोसर्जन हो जाएं कि प्रोफेसर हो जाएं कि आईटी इंजीनियर हो जाएं, कुछ हो जाएं आप, एक दिन में आप कितने पैसे कमाएंगे? 50,000, 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, बस इससे ज्यादा नहीं कमा सकते. अगर आप वकील हैं तो पर डे पर केस हियरिंग, इंडिया में ऐसे वकील तो अभी मौजूद हैं जो 1 करोड़ लेते हैं और एक एक दिन में 10-10, 20-20 केस में अपियर होगा. और 55 लाख और 15 लाख और 17 लाख वाले बहुत हैं. कल मैं चेन्नई में था, उनकी हाई कोर्ट बहुत पुरानी है, 150 साल पुरानी. मैंने कहा भाई यहाँ पे क्या वकीलों की फीस चल रही है? उनके साथ दिल्ली के मुकाबले में बड़ी कम है यहाँ. मैंने कहा क्या है? बोले साहब 17 से 23 लाख पर डे पर केस. इसलिए आपको बहुत पैसे चाहिए तो लॉ करें, और अगर कनात पसंद है तो ना करें. अब वाइस चांसलर साहब ने जब टेक ओवर किया था तो पहला इंटरव्यू जो मैंने सुना उसमें वीसी साहब ने कहा कि साहब मुझे लॉ शुरू करना है. तो फिर मैंने कॉल की सर को, मुबारकबाद दी. अच्छा मुझे लगा कि नया नया कोई आदमी शेखुल जामिया होने जा रहा है तो कुछ ऐसे कह देते हैं लोग कि हाँ हम ये करेंगे वो करेंगे. हम भी कह चुके थे जो हम नहीं कर पाए, बट भाई वो तो वादे के पक्के थे, बिल्कुल मैन ऑफ हिज वर्ड्स. उन्होंने आने के 5-6 महीने बाद ही मुझे फोन करके कहा आप कहाँ हैं? मैंने कहा मैं फला जगह हूं. बोले आके मिलिए मुझसे. इंडिया की किसी यूनिवर्सिटी में एमए लीगल स्टडीज नहीं है,
JNU में है एक कोर्स इस तरह का, ये बिल्कुल एक इनोवेटिव कोर्स है। और अभी एमए लीगल स्टडीज हमने शुरू ही किया और इरादे क्योंकि ऊंचे हैं तो अब BA LLB और BBA LLB और 3 years LLB और LLM और उसके बाद PhD। और ये कुछ जबानी जमा खर्च नहीं था शेखुल जामिया का, मतलब अभी तो BCI में हमने अप्लाई नहीं किया, हम उसका फॉर्म भर रहे हैं अभी। अखबार में एक दिन मैं पढ़ रहा हूँ कि साहब 2 professor की पोस्ट और 1 assistant professor की पोस्ट क्रिएट हो गई और एडवर्टाइजमेंट हो गया। बिलीव मी विद माई एक्सपीरियंस ऑफ 3 terms एज VC एंड इतने साल हायर एजुकेशन में, मैंने ऐसी इफिशेंसी किसी वाइस चांसलर में नहीं देखी, और वो सीरियसनेस। अब क्योंकि VC साहब के इतने मजबूत इरादे हैं तो मैं तो भाई लॉ का एक अदना सा सिपाही हूं, मैं कैसे उससे बैकआउट कर सकता हूं। इसलिए जाहिर है कि मेरी पूरी सपोर्ट एमए लीगल स्टडीज को भी है जिसमें मैं पढ़ा रहा हूं आजकल, और जाहिर है कि जब LLB शुरू होगा तो उसके लिए भी है। हैदराबाद में नालसर है जो इंडिया का और साउथ एशिया का टॉप लॉ स्कूल है और लॉ यूनिवर्सिटी है, और जिससे मैं 10 साल तक जुड़ा रहा। लेकिन हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लॉ नहीं है। आप सोचिए, 50 साल की यूनिवर्सिटी है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, वो लॉ नहीं शुरू कर पाए। उस्मानिया यूनिवर्सिटी का लॉ बहुत ही वीक है। सिम्बायोसिस ने आके यहाँ लॉ शुरू किया, 5 lakh rupees फीस है पर ईयर, चल नहीं पाया, मुझको नहीं परसुएट कर पाए वो लोग। 7-8 साल हो गए उसे शुरू हुए कि मैं एक बार वहां के किसी प्रोग्राम में चीफ गेस्ट भी बन के जाता। तो मानू का ये इनिशिएटिव कि हम यहां लॉ शुरू करेंगे, वो मैं समझता हूं कि बहुत ही अप्रिशिएबल है और बहुत ही करेजियस है, और हैदराबाद में गुंजाइश है लॉ को चलाने की, और मानू उसकी मुनासिब जगह है। मुल्क की आजादी तक हैदराबाद हाई कोर्ट के जजमेंट्स उर्दू में प्रिंट होते थे, उर्दू में दिए जाते थे। उन जजमेंट्स को पढ़कर रिसर्च करने वाला कोई हाथ हमारे पास नहीं है, वो पूरी नॉलेज जो है वो बिल्कुल बेकार हो गई है। मैं उम्मीद करता हूं कि मानू में जब लॉ चले होगा और उर्दू ना लोग होंगे, मेरे कई स्टूडेंट्स यहाँ मौजूद हैं एमए लीगल स्टडीज के जो कि बहुत अच्छी उर्दू है, मैं समझता हूं कि वो उन टॉपिक्स पर फिर रिसर्च करेंगे कि वो जो खजाना जिसके बारे में हमको मालूम ही नहीं है, कितनी ऐसे फरमान हैं निज़ाम के जो उर्दू में हैं जिनके ऊपर कोई हम रिसर्च नहीं कर पाए। अब एक दो चीज़ें मैं और आपसे अर्ज करूं कि जो ये एमए लीगल स्टडीज़ है, इसको करके आप वकालत नहीं कर सकते, क्योंकि ये मास्टर्स प्रोग्राम है। जैसे कोई LLM कर ले तो LLM करके भी वकालत नहीं कर सकता। कई मेरे दोस्त ऐसे हैं जो लॉ के प्रोफेसर हैं, उन्होंने MA किया, फिर बाहर जाकर LLM कर लिया, वो LLM की वजह से प्रोफेसर हो गए, लेकिन उनके पास बेसिक LLB डिग्री नहीं है। तो लॉ के प्रोफेसर हैं लेकिन वकालत नहीं कर सकते, कोर्ट नहीं पहन सकते काला। लेकिन ये लॉ का पुराना आइडिया था, लॉ का ये सोचना कि वकील सिर्फ अदालत में जाते हैं और लिटिगेशन लॉयर्स होते हैं, ये एक आउटडेटेड दकियानूसी सोच है। आज जो हो रहा है वो भी आपको बताऊं, इंग्लैंड में कहते हैं कि डेथ ऑफ सिविल जस्टिस सिस्टम हैज टेकन प्लेस, कि सिविल जस्टिस सिस्टम जो है इंग्लैंड में मर चुका है। अमेरिका में वो और पहले मर चुका था। एक सर्वे अमेरिका में हुआ कि 1100 जो टॉप कंपनीज हैं वो अदालतें नहीं गई, क्योंकि जो कंपनी के कॉन्टैक्ट्स होते हैं, एक कंपनी दूसरी कंपनी से जो मुआहदा करती है, उस मुआहदे में लिखा होता है कि अगर कोई डिस्प्यूट होगा तो आर्बिट्रेशन से तय होगा। आर्बिट्रेशन बड़े मजे का लॉ है,
आज पूरे मुल्क में यकसा सिविल कोड को लेकर बहस हो रही है। मैं इस बारे में कई बार लिख भी चुका हूँ, बोल भी चुका हूँ कि गरीबों से तो तलाक और मेंटेनेंस के मामले में हम कह रहे हैं कि अदालतों में आओ, हमारी ज़बरदस्ती आओ, और साला साल यहाँ पर जो है केस लड़ते रहो। हैदराबाद का एक केस है, हिंदू कपल था, एक ही दिन के लिए शादी हुई थी, 23-24 साल लगे डिवोर्स होने में। लेकिन जो रियलिटी है आज की, वो आपको बता रहा हूं, कॉरपोरेट वर्ल्ड की रियलिटी, बिजनेस वर्ल्ड की, ये अमेरिका का सर्वे है 1100 कंपनीज का, ये सारे केसेस अपने आर्बिट्रेशन को देते हैं। आर्बिट्रेशन क्या है कि दो लोगों में एक मुआहदा है, उन्होंने कहा कि साहब अगर हम में कोई डिस्प्यूट हुआ तो दोनों पार्टीज एक एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करेंगे और फिर उनकी म्यूचुअल कंसेंट से एक चेयरमैन होगा उसका। न सिर्फ वो जज को सेलेक्ट कर रही हैं, आर्बिट्रेटर तो जज है उस मैटर में, यानी पार्टीज अपने जज का खुद इंतखाब कर रही हैं, बल्कि कौन सा लॉ लगेगा वो भी वो तय करते हैं। और इंडियन कंपनीज ज्यादातर कहती हैं सिंगापुर का लॉ लगेगा, जर्मनी का लॉ लगेगा या लंदन का। ये तीन हब हैं मेजर, फ्रैंकफर्ट, लंदन एंड सिंगापुर, जहां ज्यादातर आर्बिट्रेशन होता है। जब चीफ जस्टिस रमन्ना ने टेक ओवर किया तो उन्होंने हैदराबाद में एक इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर बना दिया, और अब कोशिश यह है कि हैदराबाद जो है वो साउथ एशिया के आर्बिट्रेशन का हब बने। वो बिल्डिंग बन गई है ऑलरेडी, वो सेंटर भी बन गया है, उसमें अपॉइंटमेंट्स भी हो गए, आर्बिट्रेशन भी शुरू हो गया। तेलंगाना की गवर्नमेंट ने एक ऑर्डर कर दिया है, और मेरे ख्याल से आंध्रा में भी ऐसा ही ऑर्डर है, कि हर वो कॉन्ट्रैक्ट जो तेलंगाना में होगा और 3 करोड़ से ज्यादा की उसकी वैल्यू है, वो किसी अदालत में नहीं जाएगा, वो इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर में जाएगा। आपके यूनिवर्सिटी एक्ट में भी लिखा है आर्बिट्रेशन, और एएमयू के एक्ट में भी लिखा है 1920 के आर्बिट्रेशन होगा। तो जो नया जमाना है उसमें वकील अदालतों में जाके बहस नहीं करते जज के सामने, बल्कि आर्बिट्रेशन सेंटर में बैठ के बीच बचाव कराकर मसले का हल करते हैं। इसका पूरा एक लॉ है आर्बिट्रेशन एक्ट। जितने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के रिटायर्ड जजेस हैं, वो सबसे ज्यादा पैसा रिटायरमेंट के बाद कमाते हैं। ज्यादातर आर्बिट्रेशन 5-स्टार होटल में होते हैं, पर डे 5 लाख, 15 लाख, 20 लाख ऐसा लेते हैं जजेस। मुल्क में आर्बिट्रेटर्स नहीं है ट्रेंड, एमए लीगल स्टडीज वो आर्बिट्रेटर्स तैयार कर रही। एक और आइडिया है, इसको कहते हैं मीडिएशन। आर्बिट्रेशन में तो जो आर्बिट्रेटर्स होंगे, जिन्हें आपने अपना जज मान लिया है, वो आर्बिट्रेट करके एक अवार्ड कर देंगे, जो एक जजमेंट की तरह होता है। मीडिएशन इससे जरा लूज प्रोसेस है, जिसमें वो पार्टीज को समझाते हैं, सिर्फ कोई अवार्ड नहीं देते। जैसे आपका इनसे मुकदमा चल रहा है, एक 15 साल से चल रहा है, 50 करोड़ का है, तो वो आपको समझाएंगे, भैया ऐसा है 15 करोड़ ले लो, कल जब 50 साल बाद तय होगा तो वो 50 करोड़ की वैल्यू 10 करोड़ रह जाएगी। तो पार्टीज को लाकर छोड़ देते हैं कि इसमें ये इन्वॉल्व है, आप समझौता कर लो। ये नया एक मेथड है जिसके जरिए डिस्प्यूट्स रिजॉल्व हो रहे हैं। 4.5 करोड़ केसेस हमारी अदालतों में आज हैं। अगर एक भी नया केस फाइल ना हो तो 266 साल लगेंगे बैकलॉग को क्लियर करने में। इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की यह पॉलिसी है कि केस ना फाइल हो, अदालतों में ना जाया जाए, बल्कि आर्बिट्रेशन हो, मीडिएशन हो, कंसिलिएशन हो। तो वो अपॉर्चुनिटी को कैटर करने के लिए शेखुल जामिया ने ये कोर्स एमए लीगल स्टडीज जो है ये शुरू किया है। अक्सर आप अखबार में पढ़ते होंगे लोक अदालत हो रही है। लोक अदालत में भी एक आदमी जो कानून को जानता है वो होता है। ये जितने लोग हैं ये लोक अदालत के मेंबर बनने के लिए सब एलिजिबल हो गए। और क्योंकि कम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में लॉ का बहुत रोल है, आईएएस ऑफिसर जो बनेगा,
वो ज़ाहिर है कि लॉ से डील करता है। तो एमए लीगल स्टडीज़ के बाद आपको सिविल सर्विसेज देना है या कोई और कम्पिटिटिव एग्जाम देना है, आप उसके लिए भी एलिजिबल होंगे। कंज्यूमर कोर्ट्स, अब देखिए नीचे भी कंज्यूमर कोर्ट है, फिर स्टेट कमीशन है, फिर नेशनल कमीशन है, उसमें लिखा है कि लॉयर्स नहीं आएंगे। जो एमए लीगल स्टडीज़ के लोग हैं वो वहाँ के वकील बन सकते हैं, कंज्यूमर कोर्ट के वकील बन सकते हैं। पैरा लीगल पर बहुत फोकस है सरकार का इस वक्त, ये जितने पैरा लीगल वर्कर्स होंगे ये सब वो होंगे जिन्हें लॉ आता है बट जिनके पास एलएलबी की डिग्री नहीं है। तो एमए लीगल स्टडीज का जो कोर्स डिजाइन किया गया है इसलिए ये फ्यूचरिस्टिक कोर्स है, क्योंकि ये कोर्स इन नीड्स को कैटर करने के लिए, इन अपॉर्चुनिटीज को कैप्चर करने के लिए बनाया गया। मैं जब लॉ अलीगढ़ में कर रहा था, मेरे क्लास में एक एमबीबीएस डॉक्टर था, मेरे क्लास में 11-12 बीटेक किए हुए स्टूडेंट्स थे, एमएससी किए हुए 15-20 स्टूडेंट्स थे, और एमए किए हुए तो बहुत थे। जब 3 ईयर के बाद लॉ होता था तो चाहे किसी ने बीएससी किया हो, बीटेक किया हो, एमबीबीएस किया हो, एमए किया हो, वो लोग लॉ करते थे उस जमाने में। अब क्योंकि लॉ ज्यादा 12th के बाद होने लगा, तो जिसको भी लॉ तय करना है उसे 12वीं के बाद तय करना पड़ता है। इंडिया टुडे में एक कवर स्टोरी निकली थी कि डाउरी मार्केट क्या है, जब हमने लॉ किया था, ये उस जमाने की स्टोरी है। तो अगर आप इंजीनियर हैं तो आपको 2 लाख मिलेगा, अगर आप डॉक्टर हैं तो आपको 5 लाख मिलेगी डाउरी, अगर आप आईएएस ऑफिसर हैं तो आपको 15 लाख मिलेंगी। उसमें लास्ट लाइन बहुत छोटी सी लिखी थी, अगर आप एलएलबी हैं तो आपको 2 लाख देने पड़ेंगे। ये बिल्कुल बदल गया है अब, और इसलिए बदल गया क्योंकि पूरी दुनिया में कहीं पर भी लॉ की पूरी यूनिवर्सिटीज नहीं है। इंडिया में ये तय किया गया कि जैसे आईआईटीज हैं, इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सलेंस, आईआईएम्स हैं, इंस्टीट्यूट्स ऑफ मैनेजमेंट, उसी तरह नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज बनाई जाएं एज आइलैंड्स ऑफ एक्सीलेंस, और ऐसी अब हमारे पास 25 यूनिवर्सिटीज हैं जो पूरी यूनिवर्सिटी ही लॉ की है। इसने बिल्कुल लीगल एजुकेशन का रुख बदल दिया। नालसर में हर साल ऐसे बच्चे होते हैं 7-8 जिनका आईआईटी में सिलेक्शन होता है, वो आईआईटी छोड़ते हैं और लॉ करते हैं। 4-5 ऐसे होते हैं जिनका नीट में सिलेक्शन होता है, वो नीट छोड़ते हैं और लॉ करते हैं। जब 2007 में ये लहम ब्रदर्स वाला क्रैश हुआ तो मैं हायर एजुकेशन कमेटी का मेंबर था, जिसमें आईआईटी खड़गपुर के डायरेक्टर प्रोफेसर आचार्य भी थे। तो प्रोफेसर आचार्य ने मुझसे पूछा कि यार बड़ी प्रॉब्लम है, इस साल तो हमारे प्लेसमेंट ही नहीं हो रहे, क्योंकि क्रैश हो गया है, रिसेशन आ गया है, जैसे आजकल अमेरिका में आ रहा है रिसेशन, ग्लोबल है रिसेशन, तुम्हारे यहां क्या हाल है? मैंने कहा हमारे बहुत अच्छे प्लेसमेंट हो गए। बोले अरे रिसेशन हो रहा है, तुम्हारे कैसे प्लेसमेंट हो गए? मैंने कहा भाई देखिए ऐसा है, वकील चाहे कंपनी इनकॉर्पोरेट हो उसकी जरूरत तब भी है और वाइंडिंग अप हो तब भी है, तो वकीलों का दोनों तरह से फायदा होता है, बिजनेस खत्म भी हो रहा है, किसी कंपनी को बंद करना, वाइंडिंग अप करना भी अपने आप में इज अ कंबरसम प्रोसेस। मैं समझता हूं कि आपके यहां जो लोग बीए कर रहे हैं और बीएससी कर रहे हैं या बीटेक कर रहे हैं या बीकॉम कर रहे हैं, अगर वो पैशनेट हैं अपने सब्जेक्ट के बारे में, यानी अगर आप बीए हिस्ट्री कर रहे हैं और हिस्ट्री आपका पैशन है, इस हद तक पैशन है कि कल आपको हिस्ट्री का प्रोफेसर बनना है, आपको टीचिंग करनी है और हिस्ट्री पढ़ानी है, तब तो आप जरूर एमए हिस्ट्री करें, वरना कोई नॉन प्रोफेशनल कोर्स करने में अकलमंदी नहीं है। अगर आपको बॉटनी का प्रोफेसर बनना है तो फिर तो मेरे बॉटनी पढ़नी पड़ेगी, एमएससी करो बॉटनी में, फिर पीएचडी करो बॉटनी में, नेट क्वालिफाई करो और बनो। अदरवाइज जितने लोग
उस फील्ड के बारे में जिसमें वो बीएससी या बीकॉम या बीटेक कर रहे हैं, अगर पैशनेट नहीं है तो उनको कोई प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए। एमए लीगल स्टडीज एक सेमी प्रोफेशनल कोर्स है, प्रोफेशनल इस सेंस में तो नहीं है कि आप वकील बने, लेकिन आप कंज्यूमर कोर्ट में, लोक अदालत में, पैरा लीगल में और बहुत सी चीजें हैं उनमें आप बनेंगे, बैंक्स में। लॉ एक प्रोफेशनल कोर्स होगा जब हम एलएलबी का कोर्स यहाँ वो करेंगे, जो बड़ा मैं समझता हूँ कि प्राइस कोर्स होगा। सबसे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ जो होती हैं वो लॉ में होती हैं। पूरा इंडिया का और दुनिया के हर मुल्क का जो जंग आज़ादी है वो वकील लीड करते हैं। गांधी जी वकील थे, मोतीलाल नेहरू वकील थे, सरदार पटेल वकील थे। मैंने आपसे कहा था लॉ इम्पावरिंग होता है। मैंने कहा था मैं शेक्सपियर से डिसएग्री करता हूं क्योंकि हमारे पास कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है वकीलों का। लॉयर्स फाइट फॉर कॉजेस, दूसरों को उनके हुकूक दिलाते हैं। अगर किसी कौम को हुकूक चाहिए तो डॉक्टर और इंजीनियर नहीं दिला सकता उसे, साइंटिस्ट नहीं दिला सकता, उसको वकालत करनी पड़ेगी। लॉ को समझना होगा, लॉ से हक मिलते हैं। हमारे जवानी के ज़माने में जब हमने लॉ किया था, ये कहावत थी कि अगर आप लॉ में बहुत अच्छे हैं तो बन जाएंगे मोतीलाल, मोतीलाल नेहरू। उस ज़माने में नेहरू की फैमिली के, जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा जी वगैरह के कपड़े ड्राई क्लीन होने जर्मनी जाते थे, आइसक्रीम भी सुनाए वही आती थी, कैसे आती होगी मुझे नहीं मालूम। तो अगर आप अच्छे हैं लॉ में तो कहावत थी आप बनेंगे मोतीलाल नेहरू, और अगर वकालत में कमजोर हैं तो बनेंगे जवाहरलाल नेहरू। उनकी कुछ ज्यादा अच्छी वकालत नहीं थी। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने बहुत ही आसान और सलीस अंदाज में एमए लीगल स्टडीज़ के अपॉर्चुनिटीज़ के ताल्लुक से ही नहीं बल्कि पूरी लीगल सिस्टम के बारे में कैसे हम उससे जुड़ सकते हैं, उससे क्या फ़ायदा उठा सकते हैं, तलबा को आसानी से समझाने की कोशिश की। आपका जो मुनफरिद अंदाज है दिलों तक पहुँच कर बात बताने की, मैं समझता हूँ उससे हमारे तमाम तलबा उससे फैजियाब हुए हैं। और ये बातें जो फैज़ान मुस्तफ़ा साहब ने एम ए लीगल स्टडीज़ के ताल्लुक से कहे हैं, मैं समझता हूँ कि ये हम लोगों को सिर्फ उर्दू यूनिवर्सिटी जुड़ने के लिए नहीं बल्कि अपना कैरियर बनाने के लिए भी आगे आप इसके बारे में सोच सकते हैं। कोई भी एम ए जो एम ए कर रहा है, बी ए या पी जी भी कर रहा है, तो एक एडिशनल डिग्री की तरह ला कर सकते हैं। लीगल एडवाइज़र की ज़रूरत, जैसे फैज़ान साहब कहते हैं कि ये कभी ख़त्म नहीं होगा क्योंकि दुनिया से झगड़े कभी ख़त्म नहीं होने वाले हैं, इसलिए लायर्स भी कभी ख़त्म नहीं होंगे। तो ये हमेशा आपको ये कहेंगे कि ये पेरानियल रहेगा ये, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही फ़ायदेमंद और मुफीद आपको मशवरे सर दे रहे थे। और इसी के साथ मैं सर का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने इतनी मसरूफियत के बावजूद, हालांकि ये प्रोग्राम कल होने वाला था, सर की मसरूफियत याद रखें, और इस वजह से हमारे पास बच्चे भी कुछ कम हैं क्योंकि हैदराबाद में बकरीद ईद के 3 दिन बाद और 3 दिन पहले से शुरू हो जाती है, इसलिए शायद आज बच्चे कम हैं, वरना उम्मीद थी कि बीए और के पूरे बच्चों से हम लोग सीपीटीएमएड में करने वाले थे, तो थोड़ी ताखिर की वजह से, मगर ये मैसेज मैं समझता हूँ जैसे फैज़ान मुस्तफ़ा के तमाम मैसेजेस हर घर पहुँचते हैं, ये भी यहाँ पे वीडियो भी हो रहा है पहुँच जाएंगे, और इससे जितना मुमकिन हो सके आप लोग फ़ायदा उठा सकेंगे। और इसी के साथ मैं सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, न सिर्फ इसलिए कि आप इस एम ए लीगल स्टडीज़ की पासबानी कर रहे हैं बल्कि हम सब यूनिवर्सिटी के को एक नई पहचान दिलाने में भी आप बहुत कोशिश कर रहे हैं। मैं अब इस प्रोग्राम के सबसे अहम मरहले पर खड़ा हुआ हूँ, ख़ासकर इस तमाम ये जो यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, नए नए प्रोग्राम्स आ रहे हैं, हम सब जानते हैं अच्छी तरह से उसकी रूह रवा, हमारे
वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर हैं हसन साहब हैं, उनके आने के बाद से जो यूनिवर्सिटी में जो सर हाँ सर मुख्तस अगर आप इस लीगल स्टडीज़ के ताल्लुक से फैज़ान मुस्तफ़ा साहब से कुछ सवाल करना चाहते हैं तो आप ज़रूर इसके ताल्लुक से सवाल कीजिए। सर यहाँ जो LLB लाया जा रहा है वो उर्दू मीडियम से होगा और मेरी जहाँ तक जानकारी है कि सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का लॉयर बनने के लिए आपको इंग्लिश मीडियम में होना ज़रूरी है, तो इसका क्या हाल है? और दूसरी बात दूसरी सवाल दूसरा सवाल ये है कि LLB कब आ रहा है यहाँ पे? अच्छा जी मैं बता रहा हूँ, अभी पिछले महीने पार्लियामेंट की जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस की एक स्टैंडिंग कमेटी होती है जिसमें 30 मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मेंबर होते हैं दोनों ऐवानों के, राज्यसभा और लोकसभा के, तो उन्होंने मुझको याद किया था कि लीगल एजुकेशन के क्या हालात हैं, उसमें क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए। तो मैंने वहाँ बहुत ज़ोरदार वकालत ये की है कि जो वर्नाकुलर लैंग्वेजेस हैं उनमें लॉ की पढ़ाई जो है उसकी इजाज़त दी जाए। और उसके जो चेयरमैन थे सुशील मोदी, जो BJP के सीनियर बिहार के लीडर हैं और डिप्टी चीफ मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने वहीं पे मुझे बता दिया था कि ये आपका बहुत अच्छा सजेशन है और हम इसको अपनी रिपोर्ट में इंक्लूड कर रहे हैं। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी ये बात है कि जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं उनको हम अपनी वर्नाकुलर जबानों में पढ़ाएं। तो अब BTech और MBBS तक जब शुरू होने जा रहा है तो लॉ तो उससे बहुत आसान है। तो मैं ये समझता हूँ कि हम जब बार काउंसिल के सामने ये बात रखेंगे कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी का जो विजन है और इंडियन पार्लियामेंट की जो कमेटी की रिकमेंडेशन है वो ये है कि लॉ को उर्दू और हिंदुस्तानी में भी पढ़ाया जाए। ऑफ कोर्स जो उसके टर्म्स होंगे वो अंग्रेज़ी में रहेंगे और अभी मटेरियल उर्दू में उतना अवेलेबल नहीं है, लेकिन अगर हम उस पर कुछ काम करेंगे, जैसे ताज़ीरात हिंद तो बड़ी पुराना लॉ है, 1860 का लॉ है, या ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1880 का लॉ है, तो हैदराबाद में मुझे लगता है कि ये मुनासिब जगह है कि लॉ पढ़ाया जाए, और अगर वो लॉ हम उर्दू में पढ़ा सकते हैं तो उससे बेहतर कोई चीज़ नहीं होगी। UGC का नोटिफिकेशन VC साहब बता रहे हैं कि वो भी आ गया है। ओके, बेहद शुक्रिया सर। पार्लियामेंट्री कमेटी के बाद UGC ने पूछा है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटी लॉ किस किस जबान में पढ़ा रही है, तो मानू के पास भी आया है। 13 लैंग्वेजेस। एक सवाल ये था सर कि अगले साल होगा शुरू। अच्छा, ओके सर, थैंक यू जी। यहाँ पैसे नहीं लगेंगे अभी, हम कोई पैसे नहीं लेंगे। माइक दे दो भाई जी, पूछिए। सर लीगल जर्नलिज्म का क्या स्कोप है इसमें? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। मैंने लीगल जर्नलिज्म का कोर्स 2009 में शुरू किया था उड़ीसा में। आज कम से कम 150 जर्नलिस्ट हैं कंट्री में जो सिर्फ लीगल जर्नलिज्म कर रहे हैं। अल शेखुल जामिया साहब से पहले बात हो रही थी तो फरमा रहे थे कि कुछ हमें शॉर्ट टर्म कोर्स करने हैं, फिर यहाँ लीगल जर्नलिज्म का जिक्र आ गया, तो मैंने कहा ये एक अच्छा कोर्स है जो हम शॉर्ट टर्म में भी शुरू कर सकते हैं। अखबार उठा के देखें, कोई भी किसी भी दिन का किसी भी जबान का, एक तिहाई से ज्यादा न्यूज लॉ के बारे में होगी। ये कानून बनने जा रहा है, इस कानून में ये खराबी है, इस कानून पे इस हाई कोर्ट ने ये कहा और ये फैसला आया और फला आया। प्राइम मिनिस्टर आज बोले हैं मध्य प्रदेश में, यूनिफॉर्म सिविल कोड का बहुत जिक्र किया है उन्होंने। तो कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का चैनल आप उठाएं देखें उसे, या प्रिंट मीडिया में आप देखें,
वन थर्ड से ज़्यादा जो उसमें स्टोरीज होंगी, न्यूज़ होगी, एडिटोरियल होंगे, वो कानून से रिलेटेड होंगे, है ना। तो कोई भी जो जर्नलिस्ट बनना चाहता है, अगर वो स्पेशलिस्ट जर्नलिस्ट बनना चाहता है, तो उसके लिए लीगल जर्नलिज्म जो है बिल्कुल एक नीश एरिया की तरह इमर्ज हो गई है ये फील्ड, और उसमें बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हर डिस्ट्रिक्ट में कोर्ट है, जैसे हमने कहा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, तो एक जज नहीं होता डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, 80-90 जजेस होते हैं। जब हमने कहा हाई कोर्ट है, तो एक हाई कोर्ट नहीं है, उस हाई कोर्ट के अंदर अगर 40 जजेस हैं और उनमें से कुछ सिंगल बैठ रहे होंगे, कुछ डिविजनल बेंचेस में बैठ रहे होंगे, तो पता चला 25 हाई कोर्ट हैं। सुप्रीम कोर्ट का मतलब एक सुप्रीम कोर्ट नहीं है, जो उसमें जजेस बैठते हैं वो दो दो बैठ रहे हैं, कुछ ही में तीन बैठते हैं, किसी कहीं पे पांच बैठ रहे हैं, पांच कभी कभी बैठते हैं। तो इंडिया में उस हिसाब से एक दर्जन सुप्रीम कोर्ट है, और इन सब की रिपोर्टिंग होनी है, इन सब के फैसले आने हैं, फिर पूरी दुनिया में कानून बनते रहते हैं, उनके बारे में आता है। 9/11 हो गया, उसके बाद कई कंट्रीज में लॉ बनाए जिन्होंने प्राइवेसी के राइट को वायलेट किया। फ्रीडम ऑफ रिलीजन का मामला है, बकरीद है आपके यहाँ, बकरीद से रिलेटेड बहुत से लॉज हैं, तकरीबन हर स्टेट में काउ स्लॉटर लॉ है। कई स्टेट्स ऐसी हैं जिनमें लाइफ इम्प्रिजनमेंट है काउ स्लॉटर के लिए, 10 साल का की सजा है यूपी में। तो जो भी चीज़ आप कर रहे हैं उसमें लॉ है और एक न्यूज़ है। तो किसी को अगर इंटरेस्ट है लीगल जर्नलिज्म में, तो जब आपके पास लॉ डिपार्टमेंट हो, और मानू का जो मीडिया वाला डिपार्टमेंट है वो बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो वो दो लोग जब मिलके उसे कोलैबोरेट करेंगे तो बहुत अच्छे कोर्सेज लीगल जर्नलिज्म के मानू में लॉन्च हो सकते हैं, क्योंकि मीडिया का एक्सपर्टाइज आपके पास ऑलरेडी है। हम अगर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में लीगल जर्नलिज्म करेंगे तो हमारे पास लॉ टीचर होंगे, लेकिन मीडिया का इतना बड़ा स्टाफ नहीं होगा हमारे पास वहाँ जितना आपके पास है। लेकिन सर इसमें ये सवाल था कि इसमें जो कोर्स होगा सर्टिफिकेट होगा या डिप्लोमा होगा? नहीं नहीं, डिप्लोमा नहीं होगा, डिग्री होगा। डिग्री, ठीक सर, थैंक यू। डिप्लोमा लीगल जर्नलिज्म में आप डिप्लोमा लॉन्च कर सकते हैं, 1 साल का कोर्स। हम लोग ऐसे भी कोर्स इंट्रोड्यूस करेंगे। हाँ, वो तो लीगल जर्नलिज्म होगा तो वो डिप्लोमा अलग से सर्टिफिकेट कोर्स भी हो सकता है उसमें। हाँ पूछिए पूछिए। एक सवाल ये था कि हम मुसलमानों में या जो बहुत निचले तो तबके के लोग होते हैं या गांव में के अंदर, वो ये होता है कि लॉयर जो होते हैं बहुत बदनाम होते हैं कि हराम का खाते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, तो इसको टेक ओवर कैसे किया जाए, इसका जवाब कैसे दिया जाए? सर तशरीफ़ रखें। ऐसा है जो हमारी बदहाली है ना आज मिल्लत जहाँ भी है जी सर, उसकी वजह यह है कि हमने 1200 साल ये कह कह कर गुजार दिए कि पैदा हुए वकील तो शैतान ने कहा, अल्लाह ने मुझको साहिब औलाद कर दी। लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए, इसी में बर्बाद हो गए। इमाम अबू हनीफा, इमाम शाफई, इमाम जाफर, इमाम मालिक क्या थे भाई? जूरिस्ट थे। आपका फिक क्या है? हनफी, शाफई, मालिकी, जाफरी, क्या फिक है? कानून है ये। आपने कानून बनाने की प्रोसेस खत्म कर दी, इश्तिहाद खत्म कर दिया, तकलीद शुरू कर दी, तो कानून लटक रहा है 11वीं सदी में, इसीलिए तो ये सब बहस हो रही है आज। यू गेट माई पॉइंट? Yes, sir. जो वकील होता है, जैसे आप मर्डर करके आएंगे मेरे पास, मैं वकील हूं, तो मैं अदालत में यह नहीं कहूंगा आपने मर्डर नहीं किया। अगर मैं ये कहूं कि आपने मर्डर नहीं किया, यह झूठ होगा, ठीक? Yes, तो पहली चीज तो यह कि हो सकता है मैं कह दूं मैं नहीं लड़ता आपका केस, लेकिन ऐसा नहीं कहना चाहिए किसी वकील को। हर मुलजिम को वकील मिलना चाहिए ताकि उसका फेयर ट्रायल हो, समझे आप? ये फेयर ट्रायल का रिक्वायरमेंट है। मैं अदालत से ये कहूंगा कि बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर है, जो दूसरी पार्टी होगी जो ये कह रही होगी कि आपने मर्डर किया है, वो साबित करेंगे। अच्छा, कानून क्या बनाया? कानून ये बनाया कि जो पार्टी कहेगी कि मैंने जुर्म किया है,
वो साबित करेगी बियॉन्ड एनी शेडो ऑफ डाउट। अगर जरा सा भी शुभा होगा उसमें तो फिर आप बच जाएंगे। मेरा काम एज डिफेंस लॉयर ये नहीं है कि मैं ये कहूं कि आपने मर्डर नहीं किया। मेरा काम है कि जो प्रोसिक्यूशन कहानी सुनाएगा उस कहानी में मैं एक डाउट क्रिएट करूंगा। जैसे मैं ये कहूंगा कि साहब मेरा तो कल रोजा था, मैंने खाना खाया ही नहीं, कमरे में क्या मैंने मेस तक में नहीं खाया, यू गेट माई पॉइंट, और फलांस है ये गवाह देख लीजिए, इसने मुझे सैरी खाते हुए देखा था, यू गेट माई पॉइंट, या मैं तो था ही नहीं यहां पे, है ना। तो जो डिफेंस लॉयर होता है जैसे राम जेठमलानी या जो और बड़े लॉयर्स हुए, वो कभी ये नहीं कहते कि आपने ये काम नहीं किया, वो ये कहते हैं आप साबित करो, दूसरी पार्टी है वो साबित करे, जब वो साबित नहीं कर पाते तो आप छूट जाते हैं। अच्छा, इसका भी एक मकसद है, क्योंकि क्रिमिनल लॉ जो है उसमें हुकूमत प्रोसिक्यूट करती, अगर वो लॉ मुलजिम के हक में नहीं बनाया गया तो जिसको हुकूमत चाहेगी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के तहत अरेस्ट कर लेगी, बंद कर देगी, जो उनके सियासी अपोनेंट्स होंगे उन सबको जेल में डाल देगी। तो लॉ ऐसे बनाया गया है कि चाहे सैकड़ों मुलजिम बच जाएं, लेकिन एक इनोसेंट आदमी को सजा ना हो, ठीक है। तो वकालत का मतलब यह नहीं है कि आपको झूठ बोलना है, बिल्कुल झूठ नहीं बोलना है आपको, और कोई जबरदस्ती आपसे ये नहीं कह सकता कि आप उसका केस लें, है ना, आप मत लीजिएगा मेरा केस, ठीक है, लेकिन मैं आपका ले लूंगा। बेहद शुक्रिया सर। सबसे पहले तो प्रोफेसर फैजान मुस्तफा साहब का शुक्रिया कि वो मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी से बराह रास्त वाबस्ता हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में हैं, मगर उन्होंने आपके लिए यहाँ वहाँ लीव अप्लाई की है और यहाँ आपके साथ हैं एडजंक्ट प्रोफेसर। मेरी पहली मुलाकात जब हुई थी इनसे, उस वक्त हमने एक प्लान के तहत नालसर के साथ टाई अप करने को कहा था और उनकी रजामंदी थी, मगर फिर उनका टर्म भी ख़त्म होने वाला था तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम आपके लिए फैकल्टी अरेंज कर देंगे। और हुआ ये कि उन्होंने बड़ी कोशिश की कि हमारी यूनिवर्सिटी से जो इस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं और अपनी यूनिवर्सिटी से एक काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन कराया। आज हम इस पोजीशन में हैं, हमसे जो बार काउंसिल कह रही है वो आपके पास क्या 6 प्रोफेसर्स हैं, हमारे पास 8 प्रोफेसर होने जा रहे हैं। बिल्कुल हम मजबूती के साथ तैयार हैं, हमारे पास बिल्डिंग भी है, 60 स्टूडेंट्स को हम लेने जा रहे हैं, एडमिट करने जा रहे हैं, 60। उनके लिए क्लासरूम भी है, वो सब आइडेंटिफाई हो गया, और इन सारे स्टूडेंट्स को हॉस्टल मिलेगा। जब लीगल स्टडीज हमने शुरू किया था तो ये कह रहे थे लोग कि हॉस्टल का क्या होगा, मैंने कहा नहीं, इनको हॉस्टल देंगे, बगैर हॉस्टल के लीगल स्टडीज नहीं शुरू करेंगे। आप देखिए, आप सोचिए, अच्छा रास्ते बेहतर निकलेंगे। अगर आपने पहले ही मकाम पर सोचना बंद कर दिया, ऊंचाई की तरफ देखना बंद कर दिया, तो आप ज़मींदोज़ हो जाएंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए ये बहुत सही मौका है, ये मत सोचिए कि शुरुआत अगर ऐसे ही हो गई तो उसका इख्तिताम भी ऐसे ही होगा।
हमने बीवॉक के बच्चों को उस वक्त देखा जब बेचारे चूजों की तरह सफ़ेद एप्रिन पहन के छोटे से इधर उधर नज़र आते थे, या वो डेरोगेटरी नहीं है, प्यारे प्यारे बच्चे। आज जो है वो आप देखिए कि एक कतार है, उनकी लंबी कतार है। जब हमने ये कहा था कि बीवॉक के बच्चों को हॉस्टल नहीं देंगे, यही तो था जी। हमने कहा नहीं, बीवॉक के बच्चों को हॉस्टल देंगे, सबको हॉस्टल दिया गया। सोचिए तो अच्छी तरह से रास्ते निकलेंगे। पहले ही दहलीज के ऊपर महरूमी आप अगर देखेंगे तो मुश्किल हो जाएगी। वेयर देयर इज विल देयर इज वे, आप अगर शुरुआत तो करिए, और बड़ी नेक नियति के साथ और खुलूस के साथ। सिर्फ ये नहीं है कि एलएलबी के लिए हम जा रहे हैं, और 5 साल का बीए एलएलबी इंटीग्रेटेड प्रोग्राम के लिए जा रहे हैं, 3 साल के लिए नहीं जा रहे, आप देख रहे हैं। और हम ये भी इस कोशिश में भी हैं कि जिनको हम एलएलबी में दाखिला दें उनके लिए कोई और रास्ते भी उनके सपोर्ट के लिए निकल आए। हमें इस यूनिवर्सिटी के लिए, मैंने पहले भी कहा था कि हम सबको, प्रोफेसर शुगुप्ता यहाँ हैं, हम डिस्कस करते रहते हैं, और हमें ये अंदाज़ा है कि हमें कहाँ कहाँ डिलीवर करना है। आपके लिए अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, आपको समझना बहुत ज़रूरी है कि हम क्या कर रहे हैं। अगर हम अपने ही आप में अपनी खिचड़ी पकाते रहे और आप तक नहीं पहुँचती तो उसका कोई मकसद नहीं है। और अगर आप मेन स्ट्रीम तक नहीं पहुंचते हैं, सवाल हुआ वो कि उर्दू में, उर्दू को कमज़ोर समझने वाले ये सोचेंगे, लेकिन उर्दू में अगर आप खूबसूरत उसी अदालत में जाके और उर्दू में बहस करेंगे, अंग्रेज़ी की बहस उतनी मजबूत नहीं होगी जितनी उर्दू की होगी। और मेरा दावा है कि यहीं से हमने CSC कोचिंग एकेडमी शुरू की, हमारे दो उसमें से, सोचिए ज़्यादा नहीं, कोई 25-26 में से 2 प्रीलिम्स क्वालिफाई कर गए हैं। हम सोच रहे हैं किसी भी मैदान में मानू के स्टूडेंट्स को कहीं अंडर एस्टिमेट करना मेरे लिए बिल्कुल कतई मेरे लिए जहर है। मैं उस जहर को पी नहीं सकता, इसलिए कि मैं बिल्कुल नेक नियति के साथ जा रहा हूँ। और सिर्फ यही नहीं है, LLB नहीं है, ये तो कानून पार्लियामेंट ने जो डिस्कस किया और UGC ने जो नोटिफिकेशन दिया, आज से कोई 1.5 साल पहले कहाँ था जो हमने आपसे डिस्कस किया था कि हम लीगल स्टडीज शुरू करने जा रहे हैं, तब नहीं था ये, तो हमने सोचा और हो गया। आप देखिए अभी हम क्या क्या सोच रहे हैं और क्या क्या होगा। बिलीव में, IIT हैदराबाद से आप टाई अप कर सकते हैं, आपके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को शुरू करने वाला हूं मैं, कहीं किसी भी मैदान में जहां पर हमारी बिल्कुल चकोर की तरह निगाहें हैं कि कहीं एक जरा सी अपॉर्चुनिटी आई और हमने उसको ग्रैब किया। NTA करा रही है 4 ईयर का इंटीग्रेटेड प्रोग्राम ना, वो उसमें BA, BCOM एंड BSc में हमने पहले ही उसकी फीस जमा कर रखी है, वक्त से पहले ही जमा कर रखी है। नाउ आइडिया इज के अपने आप को भी एम्पावर समझने की कोशिश कीजिए। कोई ये नहीं कह रहा है कि आप किसी मैदान में जाना चाहते हैं उसे छोड़ के किसी और फील्ड में चले जाएं। आप खुद देखिए, जज कीजिए, आज किसी को हाथ पकड़ के कोर्सेज नहीं दिलाए जाते हैं। अपनी इस्तेदाद देखिए आप कहाँ जा सकते हैं। अगर सिर्फ एक ही रास्ते पर आप चले गए तो फिर दूसरे डिपार्टमेंट्स बंद हो जाएंगे। मैं पर्शियन का स्टूडेंट रहा हूँ, मैंने पर्शियन पढ़ाई है, कोई 37 ईयर्स तक पढ़ाई है, तब मैं यहाँ आया हूँ। मैंने हिस्ट्री को भी पढ़ाई है, मैंने सोशियोलॉजी को भी पर्शियन पढ़ाई है, मैंने स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज़ में जो
इंटरनेशनल स्टडीज करते हैं उनको भी प्रश्न पढ़ाइए, और मैं सबकी इस्तेदाद जानता हूँ। मैंने उनको न जाने कहाँ कहाँ भेजा, 5 लड़कियों को जिनका कोई वास्ता पर्शियन से, उर्दू से कुछ नहीं था, नॉन मुस्लिम लड़कियाँ थीं, राजस्थान से ज़्यादातर थीं, उनको ईरान भेजा। आज आपके उसमें से 3 लड़कियाँ यहीं इस हैदराबाद के अंदर, वो यहाँ जो मल्टीनेशनल के साथ काम कर रही हैं। इसलिए कि आप शुरू में नहीं सोचेंगे बाद में पछताएंगे, तो मैंने उन लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश की है। आज बहुत सारे ऐसे लिंग्विस्टिक्स के लिए, अभी आप देखेंगे कि लिंग्विस्टिक्स में भी हम अंडर ग्रेजुएट शुरू करने वाले हैं। प्रोफेसर श्रीगुप्ता का इंग्लिश का डिपार्टमेंट है, प्रोफेसर इम्तियाज हसनैन को बुला के लाया हूँ मैं यहाँ, और आपने देखा कई उन्होंने अपने प्रोग्राम्स रखे, एक तो वर्कशॉप भी कराया था CIL से मिलके, NTM से मिलके, और अभी और प्रोग्राम्स होने वाले हैं। तो लिंग्विस्टिक्स की भी ज़रूरत है हमारे पास। आप जब जर्नलिज्म की बात कर रहे हैं तो जर्नलिज्म के अंदर लिंग्विस्टिक्स की ज़रूरत पड़ेगी आपको। आपको कैसे इम्प्रेस करना है और क्या टर्म सिलेक्ट करना है, कैसे डिलीवर करना है, ये सारे लिंग्विस्टिक जोन में आता है। तो इंग्लिश के साथ साथ लिंग्विस्टिक्स, पर्शियन के साथ लिंग्विस्टिक्स, अरबिक के साथ लिंग्विस्टिक्स, हिंदी के साथ लिंग्विस्टिक्स अगर नहीं रखेंगे आप, तो ये कारवां आगे नहीं बढ़ेगा। और फॉरेन लैंग्वेजेस को जो हमारा लाने का वो है, वो बिल्कुल अपनी जैसे ये बल्ब जल रहा है वैसे देखिए इसको। इसे कि रशियन ले आए, फ्रेंच ले आए, अभी अलियांस फ्रांसिस से हम टाई अप करने वाले हैं, और जर्मन के मैक्स मुलर भवन से हमारी बातचीत चल रही है, जर्मन भी यहाँ लाएंगे। टर्किश को हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, पश्तो ऑलरेडी हमने इंट्रोड्यूस की है, एंड आई एम गोइंग टू मेक इट ए सेपरेट स्कूल ऑफ फॉरेन लैंग्वेजेस। बीवॉक से काम नहीं चल रहा था, सिर्फ बीवॉक करके जाके वहाँ पर छोटी सी तनख्वाह में आप कहाँ काम करेंगे। तो हमने सोचा यह है कि ये लोग जो हैं, जो लोग हॉस्पिटल में आलेल रखे हुए छोटे से MBBS किया, MBBS है क्या, ग्रेजुएट डिग्री है, इससे बढ़ के तो नहीं है भाई, ये ग्रेजुएट किए हुए, और जब हम अपने बीवॉक के MWOC बनाएंगे और उसके बाद इसी में PhD करेंगे, तो आप देखिएगा प्रोफेशनल्स को लिया जाता है, सिर्फ दिखावा करने वालों को नहीं लिया जाता है। यही स्टूडेंट्स जो हमारे यहाँ के निकल के जाएंगे, वो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स के अंदर मैनेजर बने हुए होंगे। ये आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि क्या होने वाला है इस मानू का। दूसरी चीज़ यह है कि मानू ने इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अभी तक इंटरनेशनली उर्दू के लिए नहीं सोचा। सारी लैंग्वेजेस इंटरनेशनली सोच रही हैं उर्दू के लिए। मैं चाहता हूं कि उर्दू लर्निंग का एक कोर्स जो ग्लोबल हो वो यहां से चलाया जाए। आने वाले दिनों में बहुत सारा सब कुछ होने वाला है, आप देखेंगे इंशाल्लाह कि यहां से आपका आप दामन खाली करके नहीं जाएंगे, यहां से आप मोती चुन के जाएंगे। ये मेरी आपको आपको वादा है, और इंशाल्लाह हो सकता है कि मैं ना रहूं यहां, लेकिन इसका रियलाइजेशन हो सकता है 10 साल बाद आए कि मानू कहाँ थी और कहाँ पहुँच गई। थैंक यू वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने अपने सदारती कलमात में जो बातें बताई हैं उससे एक ऐसी उर्दू यूनिवर्सिटी की तस्वीर हमारे सामने आ रही है जो हौसला हम लोगों को सब हौसला देती है, उर्दू वालों को जो हमेशा कहीं से ना किसी कमी का एहसास, कमतरी का एहसास का शिकार रहते हैं। आपके बातों से हम सबको हौसला मिला है। न सिर्फ ये कि ये यूनिवर्सिटी पूरी उर्दू दान तबके के लिए एक बहुत बड़ा उनको एक दुनिया में आगे बढ़ाने का एक वसीला बनेगी, ये आपके बातों से ही नहीं, हमने आपके कामों से भी देखा है, और हम लोगों को उम्मीद भी है कि आपके तमाम प्रोग्राम्स कामयाब होंगे, उसमें हम असातज़ा और तलबा भी शरीक होंगे। सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है कि शऊर बेदारी की, ये बातें लोगों तक पहुंचना चाहिए, क्योंकि लोग कम जानते हैं उर्दू यूनिवर्सिटी के बारे में। एक सहाफ़ी साहब से मुझे मुलाकात हुई थी दावत में, उन्होंने मुझसे कहा कि भाई आपकी यूनिवर्सिटी में क्या प्रोग्राम चल रहा है,
फ्रेंच के हम एनवाय को बुलाए हैं, उसका उर्दू से क्या ताल्लुक। मैंने उनसे कहा देखिए उर्दू यूनिवर्सिटी उर्दू वालों को उर्दू सिखाने के लिए नहीं है बल्कि उर्दू वालों को दुनिया के उलूम का दरवाज़ा खोलने के लिए है। ये सहाफ़ी थे, यानी ज़्यादा जानने वाले भी उर्दू के बारे में कम जानते हैं, मगर जब से हमारे वाइस चांसलर साहब आए हैं जो प्रोग्राम्स हो रहे हैं उनको बाहर ले जाकर हम लोग ये बातें मनवाएंगे, और वाइस चांसलर साहब हर मुल्क की कोशिश कर रहे हैं उसे हकीकत में ट्रांसलेट करने का काम आप लोगों पर तलबा पे है। मुझे आप लोगों से भी खवी उम्मीद है कि ये यूनिवर्सिटी और उसके लिए जो ये यूनिवर्सिटी का हुकाम खासकर हमारे वाइस चांसलर साहब जो जज्बे के साथ जो एक नई यूनिवर्सिटी को कहते हैं वो जहद देने की दिशा देने की बात कर रहे हैं उसमें हम सब उनका साथ दें तो सचमुच में हम दुनिया में सिर्फ उर्दू ऐसी नहीं कि बहुत मीठी ज़ुबान है बल्कि बहुत फ़ायदा मंद है, इससे लोग है ना फ़ायदा भी उठाएंगे, इससे जुड़ेंगे, रोज़गार से जुड़ेंगे, ऐसे मौके ज़रूर हम लोग हासिल कर पाएंगे। और उर्दू यूनिवर्सिटी सचमुच में हिंदुस्तान की बड़े यूनिवर्सिटियों में गिनी जाएगी, ये मुझे बिल्कुल वाइस चांसलर साहब के बातों से यकीन होता है, आप लोगों से उम्मीद है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हुए ये वोट ऑफ थैंक्स के लिए अहमद रजा साहब असिस्टेंट प्रोफेसर शोबे नज़्म रसामा को दावत देता हूँ। अस्सलाम वालेकुम, थैंक्स टू अलॉट फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड रिस्पेक्टेड गेस्ट एंड ऑडियंस एंड स्टूडेंट्स एंड स्कॉलर्स। First of all, I would like to say that officially or unofficially, I am a coordinator of the Department of Legal Studies for 1 year, and I am also an assistant professor in the Department of Public Administration. So, respected guests, it gives me an immense pleasure to propose a formal vote of thanks for this program. First of all, I express my special thanks to Honorable Vice Chancellor Professor Sayyid Ainul Hassan Saab, who has agreed to be part of this event and also presided this program. The guest of today's speaker is Professor Faizan Mustafa Sahab, who has also excellently as well as professionally highlighted this events and bright future of this course. I would like to say one thing in this regard that the first lecture I have taken for this legal studies, I asked the questions from these students. Out of 14 students, I think, they told me they have come for this program. 90% of them said that because of Faizan Mustafa Sahab. So it's my special thanks. And next, I would like to give my special thanks to Professor Sagupta Sahin, OSD to the university, as well as Professor Kanizaram, head of the department, as well as head of the Department of Legal Studies. All of them have highly worked for this program to mobilize the students, to manage all the things. And my special thanks on behalf of Department of Public Administration. Last and not the least, I must thanks to Dr. Sayyid Najullah Sahab and technical support from IMC and other scholars of the Department of Public Administration as well as students of the legal studies who have worked for the last 1 week to make this program a grand success. Last, I would like to say thanks to this library team who has provided this hall. Thank you all. Thanks.